नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे स्वस्थ है। वेलकम करती हूँ सबका लाइव विजय में एक नए दिन और एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए बिना देर के शुरू करते आज का वीडियो। आशा करती हूँ पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए। तो आज है 19 सितंबर और सुबह सुबह मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं पहले अपने मंदिर की सफाई कर रही हूँ और वहाँ पे बहुत सारा मतलब इतनी चींटी हो जाती है ना, और बाहर बहुत बारिश हो रही है। तो साफ़ सफाई मैंने पहले तो करके रखी थी, अभी बस सारे कपड़े वगैरह जो रहते हैं ना मंदिर के, उसके सारे चेंज कर दिए मैंने। और मेरे गोपाल जी इतने छोटे हैं ना, उनका जो मैं मुकुट लेके आई थी ना, वो सर पे इतना छोटा हो रहा है, उसको मैं दबा दबा के एकदम छोटा बना रही हूँ। तो देखिए, और गणपति स्थापना में अभी टाइम है, 11 बजे का टाइम है, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ इसलिए क्योंकि आर्यन ने भी व्रत किया है, उसने भी कुछ नहीं खाया, तो इसलिए मैं जल्दी तैयारी कर रही हूँ। बस ऐसे ही तैयार हो गई, बस मैंने साड़ी लपेट ली और कुछ ज़्यादा किया ही नहीं। और आर्यन के पापा सुबह सुबह जा रहे हैं फूल लाने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो लेके आए थे लेकिन बारिश का टाइम है ना, ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने उनको फिर से भेजा फ्रेश फूल लाने के लिए। पता नहीं कैसे मिलेंगे, तो फिर भी लाना तो पड़ेगा। और कलश के लिए आम का पत्ता चाहिए होता है, तो वो ही लाने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ और आर्यन बाहर इधर जा रहा है उधर जा रहा है, और बहुत मतलब बहुत बिजी हो गए हैं, वो दौड़ रहे हैं मेरे आगे पीछे। और यहाँ पे मैं जो छोटी मोटी तैयारी है उसको कर रही हूँ। उसके बाद जाऊँगी मैं भोग बनाने के लिए। भोग में अभी ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, बस हलवा ही बना दूँगी, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो अभी टाइम हो चुका है स्थापना का, तो यहाँ मैं मूर्ति को स्थापना करने के लिए यहाँ पे चावल का स्वस्तिक बना रही हूँ। तो पहले तो मुझे ये सब पता ही नहीं था कैसे होता है कैसे नहीं होता है, पंडित जी आते थे वही करते थे सब। तो इस साल मैंने खुद ही पूजा करने का ठीक किया, क्योंकि यहाँ पे ना पंडित जी ठीक से टाइम पे नहीं आते, और पूजा भी कैसे करते, मतलब कुछ करते कुछ नहीं करते, मुझे ना देख के सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ मैं। क्योंकि आरीबाग में ना पंडित जी बहुत अच्छे से पूजा करते थे, मन को शांति मिलती थी, लेकिन यहाँ पे मुझे उतना सेटिस्फाइड नहीं लगता है, आधी चीज़ें तो छोड़ ही देते, करते ही नहीं है। तो इस साल मैंने ठीक किया कि मैं खुद ही पूजा करूँगी। पूजा आर्यन के पापा स्थापना करेंगे। यहाँ पे आर्यन और उसके पापा ने बैठा दिया है गणपति जी को, तो अभी उनका मुख दर्शन कीजिए। और इस साल ना आर्यन ने पसंद किया है मूर्ति, और बहुत ही क्यूट है और बहुत ही सुंदर है। तो देखिए, आप लोग भी पापा का दर्शन कीजिए और पापा आप सबकी मनोकामना पूरी करें, उनके दर्शन मात्र ही आपकी कामना पूर्ति होती है जैसे कहा जाता है, और हमारे साथ एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। जो भी हम उनसे मन ही मन बोलते हैं ना, तो वो कैसे सुन लेते हैं, और कुछ ही क्षण में वो चीज़ हो जाती है या तो पूरी हो जाती है, कैसे होता नहीं। उनका आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पे है, और जब से वो हमारी ज़िंदगी में आए हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई है, लाइफ में बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है, और उनके आशीर्वाद से ही आर्यन हमारे पास आया है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा आप लोगों को मूर्ति कैसी लगी। और यहाँ पे देखिए, मंदिर पे भी मैंने दिया जला दिया है। तो गणपति जी तो मैं मतलब कोलकाता में जब थी उतना घर पे पूजा नहीं होता है, अभी तो एक दो जगह पे होने लगे हैं फिर भी, लेकिन पहले इतना ना क्रेज़ नहीं था गणपति का। तो मुंबई पे होता है, मैंने बचपन से सुना है, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था यहाँ पर कैसे पूजा होती है। लेकिन पूजा करते करते मुझे 9 साल हो गया है, और अभी पता चल गया है कैसे करना है कैसे नहीं है, यहाँ पे कैसी पूजा होती है, तो सारी रिचुअल्स भी पता चल गए हैं। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए हम तीनों ने मिलकर बहुत अच्छे से पापा की स्थापना की, और मन खुश हो गया है पूजा करके इस साल सच में। और
आप पूजा करते हो उनसे कुछ भी मांगने के लिए नहीं, उनका जो एनर्जी है उसको अपने अंदर प्रसिद्ध करने के लिए हम पूजा करते हैं, तो वो होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो उसी से ही हमें हमारे मन को शांति मिलती है, हमें स्ट्रेंथ मिलती है और उनका आशीर्वाद तो है ही। तो चलिए ऐसे करते करते मैंने पूजा कर ली और गणपति जी को धीरे धीरे करके स्थापना कर दिया। और इस दिन रिद्धि और सिद्धि माता की भी स्थापना की जाती है, तो वो भी मैंने कर दिया है। तो अभी जो मेरे छोटे गणपति हैं ना, उनको पहले वस्त्र पहनाना होता है, जनेऊ पहनाना होता है, तो अरियल के पापा वो कर रहे हैं और मैंने इधर कलश की स्थापना कर दी है। तो ऐसे शुरुआत हो गई है हमारे घर में गणपति जी की स्थापना। तो आप लोगों को कैसा लगा ये पूजा ज़रूर बताना। तो हो चुकी है गणपति जी की स्थापना हमारे घर में 5 दिनों के लिए। और आप पूछो मत ये 5 दिन कैसे बीत जाते इतनी जल्दी जल्दी। इनका भोग प्रसाद बनाना, इनको आरती करना दोनों टाइम सुबह और शाम, सब मिलकर आरती करते हैं। बिल्डिंग में हमारे फ्लोर में जितने भी घर हैं सभी घरों में पूजा हुई है और सभी मिलकर आरती करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। पहले तो हमें आरती का जो वो स्तोत्र होता है, मतलब जो आरती सॉन्ग होता है, उतना पता नहीं था। तो अलीबाग में वो लोग ने हमें बहुत मदद किया था, तो अभी थोड़ा बहुत आ गया है। और बाकी जितने भी आसपास के लोग हैं ना, सभी हेल्पफुल है, बहुत मदद कर देते हैं। और अभी तो मैंने बुक भी ले लिया है, तो प्रॉब्लम नहीं होती है उतनी, और बस ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन आपके मन से भगवान को, मतलब जो हम ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, वो ज़रूरी होता है। तो मेरे ख्याल से आपके भाव ही ज़्यादा मायने रखते हैं, आपकी लैंग्वेज नहीं। तो हम उसी भाव से पूजा करते हैं और आशा करती हूँ आप लोगों को ये पूजा, मतलब मैंने जैसे पूजा किया, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे पूजा ख़त्म हो गई और उसके बाद आरती भी हुई। बीच में आर्यन थोड़ा रूठ गया था क्योंकि उसको आरती करने के लिए नहीं दिया उसके पापा ने, मतलब उसका मन था लेकिन उसने बोला नहीं, तो इसीलिए थोड़ा रूठ गया था। लेकिन अभी वो फिर से करेगा। तो चलिए इसी नोकझोंक के बीच हमारी पूजा पूरी हो गई है। तो फिर मिलूँगी और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में गणपति जी के साथ ही। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फेसबुक में देख रहे हैं ये वीडियो तो प्लीज़ पेज को लाइक कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा, ऐसे ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे। तो फिर मिलूँगी, ओके बाय। Thank you.